ट्रेन चला रही है। बेलारूस की ट्रेन है क्या ऐसा? बेलारूस ट्रेन और इंडिस की ट्रेन, इंडिया और बेलारूस, बेलारूस बोरे इंडिया का नहीं पता उसको, इंडिया में भोर दिन नमस्ते सलामकुम सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लाइक जब यहाँ पे बेबी बॉर्न होता है तो उसको गवर्नमेंट कितने पैसे स्टार्टिंग में देती है और उसके बाद में मंथली कितने पैसे देती है एज ए चाइल्ड सपोर्ट। बहुत सारे लाइक दिमाग में अपने बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है हमारे इंडिया में। लाइक मैं जब रशिया गया था तो लोगों को लगता है कि वहाँ पे बच्चा होगा तो घर मिलता है, अपार्टमेंट मिलता है या बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो गाइस मैं आज ये क्लियर करूंगा कि एक्चुअल अमाउंट क्या मिलता है, क्योंकि मेरे को रिसेंटली बेबी बॉर्न हुआ है तो मैं भी अमाउंट रिसीव किया हूँ गवर्नमेंट से, तो मुझको ये चीज़ के बारे में पता है और एक्चुअल फिगर है जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके मन में पूरा क्लियर रहेगा। आपको पता है कि मैं बेलारूस में रहता हूँ, तो गाइस मैं ये बताना चाहूंगा बेलारूस का पॉपुलेशन 1 करोड़ के लगभग है, लाइक 10 मिलियन के, और हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है लाइक 137 करोड़ के ऊपर है। तो गाइस मैं आपको बताना कि प्लीज डोंट कंपेयर कि मतलब हमारे यहाँ पे ये नहीं मिलता है, बेलारूस में ये मिलता है। तो ये दोनों कंट्री डिफरेंट पॉपुलेशन वाइज है, यहाँ का पॉपुलेशन कम है, यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो, और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो ये दोनों को कंपेयर करिए मत। तो ये मेन रीजन मैं मतलब आपको खाली ये वीडियो बनाने का रीजन ये कि मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे भाई आपको तो घर मिल गया है ये वो चीज है, तो मैं बताऊंगा अभी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब जब भी यहां पे प्रेग्नेंट वुमन रहती है ना, जो भी उसका एनालिसिस टेस्ट वगैरह होता है ना, वो सब गवर्नमेंट के साइड से रहता है, और जो गवर्नमेंट जो बेबी डिलीवरी होगा वो खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। नॉर्मल चेकअप वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल को वो अथॉरिटी मिल गई ना, तो उससे क्या होगा कि मतलब आपको पता है कि मतलब सीजरिंग वगैरह किससे ज़्यादा हो के पैसे ज़्यादा ये सब चीज़ें जो होती है तो अपने इंडिया में आपको पता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने ना पूरा ना प्राइवेट हॉस्पिटल को ना दे के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंडर रखा है। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लीजा भी जब बेबी बॉर्न हुआ हमारा तो उसका वेट लगभग लाइक 4.5 kg का था, तो भी मतलब यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हुआ, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट ऑर्डर देकर रखी है डॉक्टर्स को कि आप नॉर्मल डिलीवरी ही प्रिपेयर करोगे और कुछ क्रिटिकल केस रहेगा तो सीजरिंग होगा और उसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो गाइस मैं अभी बताना चाहूंगा जब भी यहाँ पे बेबी बॉर्न होता है तो उसको स्टार्टिंग में मिलता है लाइक फर्स्ट टाइम तो मिलता है 4000 रूबल। तो गाइस मैं बेलारूस में रहता हूँ तो इसके यहाँ पे 1 बेलारूसियन रूबल है आज के टाइम पे 32 रुपीज लगभग, उसके ऊपर नीचे होते रहता है हर दिन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टार्टिंग अमाउंट मिलता है 1,28,000, और ये 1,28,000 मिलता है वन टाइम, और उसके बाद में मतलब आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी खरीदी थी तो वो उसका भी खर्चा 1,00,000 रुपए तक हो गया था। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उनको सपोर्ट के लिए पैसे देती है कि अपने बच्चों को खुश रखिए, जो भी चीज़ें बेसिक नीड की है और उसके बाद में गवर्नमेंट देती है यहाँ पे मंथली 550 रूबल, जो होता है 18,000 रुपये, वो मंथली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और ये मिलता है 3 साल तक बच्चे के लिए। फॉर एग्जांपल लाइक डायपर, मिल्क, जो भी चीज़ें उसको रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें उसकी बेसिक पूरी हो। इसमें कैसा क्योंकि पेरेंट्स नहीं काम कर रहे, कुछ चीज़ें सैलरी अच्छी नहीं है, तो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो उसको उसकी चीज़ें मिलनी चाहिए। और यहाँ पे लोग टैक्स वगैरह पे करते तो गवर्नमेंट चाहती है कि मतलब उस टैक्स को अच्छे से यूज़ करके लोग खुश रहे। तो एक अच्छी चीज़ है कि 3 साल तक 18,000 लाइक समझ सकते हो लाइक इसका क्राइस हो गया लाइक 540 हो गया, 5,40,000 रुपये तो ऐसे मिल गए, और उसके बाद में 1,40,000, तो गाइस टोटल मिलता है 6,80,000 रुपये। और जब सेकेंड बेबी होता है, थर्ड बेबी होता है, तो उसके अमाउंट थोड़ा डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट कितने पैसे देती है। और गाइस अगर मैं इंडिया चले जाता हूँ और बेबी 2 महीने के ऊपर वहाँ पे रहता है तो जो अमाउंट है ना गाइस, तो मेरे को यहाँ पे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे रहूँगा, तो गवर्नमेंट वो मनी स्टॉप कर देगी। जब आप कंट्री में रहते हो तो ही आप वो एलिजिबल हो उस अमाउंट के। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, यूरोप में रह रहे हो, और बच्चा यहाँ बच्चे को वो मनी नहीं मिलेगा, जब वो कंट्री में रहेगा तभी मिलेगा। गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ना पॉपुलेशन में ना गर्ल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और बॉयज़ की पॉपुलेशन कम है। तो गाइस इसका रीज़न क्या मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ना जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था ना, तो यह आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू में भी रशिया और यूक्रेन, बेलारूस, ये सब ना सोवियत के पार्ट थे, तो ये लोग ने
टुगेदर फाइट किया था, तब ना बहुत सारे जो मैन है ना वो वर्ल्ड वॉर टू के लिए फाइट में गए थे, तो उस समय बहुत लोगों की डेथ हुई थी। तो गाइस ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि यहाँ पे आप पॉपुलेशन में देखोगे कि लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम हैं, बट अभी ना नॉर्मली बैलेंस हो रहा है। ए, मजा आ रहा है इसके, इसको बहुत मजा आ रहा है, दादा का प्यार मिल रहा है इसको। कैमरा देख रहा है, ब्लॉगर बनेगा दादा। अभी इसी को बोलते हैं अनभुल लड़का, इसी को अनभुल करते बोलते हैं, अरे भाई बच्चा है अनभुल है गलत बोल गया, इसको बोलते हैं अनभुल। इसको कुछ मालूम है दुनिया में अभी हमको क्या है क्या नहीं, इसी को बोलते हैं अनभुल। जो बच्चे बड़े बार होते बोलते हैं अरे बच्चा है गलती कर, बच्चा वो नहीं रहता, ये बच्चा है, ये बच्चा है, इसको बच्चा बोलते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं हम कहाँ दुनिया में है कहाँ नहीं है। बेचारा अभी डेढ़ महीने का भी तो नहीं हुआ है, दो महीने को जाए तो भी नहीं मालूम पड़ेगा, चार महीने को जाए तब भी नहीं। देखो ये क्रिसमस का शॉपिंग करके आई है और कब से परेशान है, लाइट लगा रही है। इतना बड़ा लाइट लाई है और मेरे को बोली कि ये कट नहीं हो रहा, और मैंने कट कर दिया, और जो नहीं कट करना था वो कट कर दिया। लिजा ने ना आज आपने देखा रहेगा वीडियो शॉपिंग का, तो हमने शॉपिंग करके आए थे और एक लाइट ना अपने इंडिया में कितने का 200-300 का मिलता है, यहाँ पे ना 1200-1500 रुपए का मिलता है, वो छोटा वाला लाइट नहीं मतलब थोड़ा साइज बड़ा है। मैंने बोला सेलो टेप लगाने के लिए, पापा मस्त बेबी के साथ खेल रहे, चलो 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 चलो। हॉल में भी है, ट्रेन चला रही थी। ये कहाँ गया ट्रेन है, बेलारूस की ट्रेन है क्या? ऐसा बेलारूस ट्रेन और हिंदी की ट्रेन, इंडिया और बेलारूस, बेलारूस बोरे इंडिया का नहीं पता उसको, इंडिया में भर देना बोलता है। हाय गाइस, तो अभी इस वक्त हमारे साथ है पापा और प्रियांशु भाई। तो गाइस मेरी बहुत दिनों से प्रियांशु जी से मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वो बिजी थे बिजनेस वगैरह में अपने, और मेरी शादी हो गई, फिर बेबी वगैरह सब चीज़ों में मैं भी बिजी हो चुका था, और पापा आए यहाँ पे तो पापा से मुलाकात कराने लेके आया हूँ। पापा ये यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बिजनेस करते हैं। स्वागत है, वेलकम वेलकम। From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. कैसा और बाकी सब कैसा चल रहा है? सब एकदम बढ़िया चल रहा है भाई, शुभकामनाएं आपको। और यादव जी, एक यादव जी के परिवार में एक और यादव जी आ गया है ना, तो बेलारूस में यादव जी का स्वागत है, आपका भी स्वागत है और छोटे यादव जी का भी स्वागत है। तो गाइस इस वक्त हम ना बिग बॉयस लॉन्च में है जो प्रियांशु जी का यहाँ पे है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया, लाइक मैं पहले भी आया था बट अभी रेनोवेट कर दिया ना सर जी, थोड़ा सा रेनोवेट किया है। हाँ, मैं तो ध्यान रखने वाला हूँ, हमारे भाइयों का ही है जी। अच्छा जी, तो रेनोवेट हुआ है काफी कुछ अच्छा, देखिए नए साल के हिसाब से इसको थोड़ा सा तैयार किया हुआ है, और वीकेंड पे स्पेशल कुछ शोज भी होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह होती है, तो भी नया पैटर्न, और ये भी क्रिसमस वगैरह का डेकोरेशन भी चल रहा है जी, जी। तो गाइस अगर आप आ रहे हो मींस तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, और साथ में यहाँ पे इंडियन फूड भी है और शेफ भी इंडियन है, तो एक अच्छी चीज़ है कि आप इंडियन फूड मिस नहीं करोगे। लाइक एक लॉन्ज है जहाँ पे अपना हुक्का स्मोक कर सकते हो, ड्रिंक्स है और साथ में इंडियन फूड है, तो गाइस ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, तो ये अच्छी। इंडियन म्यूजिक भी मिलेगा आपको, इंडियन म्यूजिक है, इंडियन एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपकी अपनी खुद की जगह मिलेगी, मतलब अपनापन सा मिलेगा आपको। सही है, You don't have to wake up yet.
हमारे जस भाई हैं, जस भाई पूरे लाउंज का बिजनेस एक्चुअली यही संभालते हैं और खास तौर से अपने हाथ से ये आपको सर्व कर रहे हैं अंकल जी के स्वागत में। रायता है और इसको पर्दा बिरयानी कहते हैं। Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. मैंने पहले भी चिकन बोला खाया है यहाँ पे आके। हाँ बहुत टेस्टी था। अच्छा है ना? Yes, अच्छा बनाते ना एकदम। ये चिकन पर्दा बिरयानी इसने अभी अच्छे से नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ मेन्यू में। हाँ ऐसे नहीं मिलता, बहुत अच्छे से कुक है। बूंदी रायता, बूंदी का रायता भी है और ये स्पाइसी चिकन भी है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा ट्राई करके और बताइएगा कि कुछ और इसमें कुछ मतलब कुछ एडिट करना चाहिए क्या, कोई सुझाव हो तो वही बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है बाप आपको? थोड़े समय की बात है, धीरे से आदमी भाषा तो सीखी जा रही है, सीखी जा रही है। अब इसे हम लोग बोल रहे हैं वो भाषा कैसा अच्छा लग अच्छा लग रहा है जी, आपस में मिल रहा है जी। तो अभी बात कर रहे थे लैंग्वेज की, पापा को ना यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो पापा बोल रहे मेरे को सब चीज़ें अच्छा लग रहा है, बट ना खाली लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पाजी बोल रहे थे कि आप रहोगे जैसे कि मतलब धीरे 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 आदत हो जाएगा, आदत सी हो जाएगी, कुछ समय रहेंगे तो आदत हो जाएगी। धीरे धीरे सब कुछ सीखा जा सकता है। हम भारत में भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमें भाषा अलग होती है, तो ऐसे ही अपने लोग हैं, सब जगह इंसान है जी। थैंक यू सो मच पाजी फॉर योर टाइम। खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी बनाया आपने और थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला। आप आए, आप एकदम बहुत अच्छा लगा है ना, फिर आइए और ऐसे आशीर्वाद दीजिए हमको, पूरे सब लोगों को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे, बहुत खुश रहे, बहुत अच्छा लगा और बस बड़े बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा आप आए, आप आशीर्वाद दिए, बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं आते रहेंगे पापा, चाय उनको अच्छी लगी और एटमॉस्फेयर रहता ना पॉजिटिवली, तो श्योरली फिर से मुलाकात होगी, अभी तो है यहाँ पे।